हेलो गाइस, आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी अपडेट निकल के आ रही है। बीएसएफ ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दोबारा से बीएसएफ आरओ एंड आरएम वैकेंसी के लिए। तो इस बार जो वैकेंसी है वो कितनी रहेगी और क्या एज लिमिट रहेगी, साथ ही साथ आपको बताऊंगा, डिक्टेशन टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा, एग्ज़ाम कब होगा, सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है और स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए कि अगली बार एग्ज़ाम निकले तो क्या स्ट्रेटजी रखें ताकि अच्छी पढ़ाई हो, अच्छे नंबर आए, सिलेक्शन हो जाए। तो सब कुछ इसी वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसकी ओपनिंग डेट जो है वो आप देख लीजिए, 22/4/2023 से, यानी 22/4/2023 से इसका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा बीएसएफ आरओ एंड आरएम का। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी बीएसएफ आरओ एंड आरएम की वो रहेगी 12/5/2023, यानी कि 12 मई तक इसका फॉर्म ऑनलाइन होगा। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म भरने के लिए केवल 20 दिन ही आपको दिए जाएंगे यहाँ पर, तो 20 दिन में आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करेंगे कि इसमें वैकेंसी कितनी है, तो सबसे पहले वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं वैकेंसीज नोटिफाइड फॉर द मेल फीमेल कैंडिडेट। तो देखिए, एस सी आर ओ की जो वैकेंसी है वो इस बार 217 है और एच सी आर एम की जो वैकेंसी है वो 30 है। तो पिछली बार जो भी रिक्रूटमेंट आई थी अगर उससे कंपेयर करें तो बेहद ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है भाई। 217 और 30 वैकेंसी मिला के ओवरऑल वैकेंसी होती हैं 247। तो 247 वैकेंसी जो हो रही हैं, तो इसके हिसाब से कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम लोग पढ़ाई करें ताकि हमारा अच्छा स्कोर रहे। तो देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखते रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो ओवरऑल वैकेंसी है 247 और कंपटीशन तो तगड़ा होगा ही, कि आपने इस बार भी देखा कितना अच्छा कंपटीशन हुआ एग्ज़ाम में, काफ़ी लोग मेरिट लिस्ट आउट हो गए। तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बेस्ट स्ट्रेटजी की बात करूँ, तो देखिए, आप पहले फॉर्म भरेंगे, फॉर्म जैसे ही फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, यानी कि अगर फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा जैसे ही, उसके बाद आपको क्या करना है, सब कुछ पढ़ाई, मतलब आप रिवीजन तो कर ही लें, साथ ही साथ आपको सब मोर देन प्रैक्टिस करनी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप इतनी प्रैक्टिस करें कि आपके नंबर कम से कम 80% से 90% के बीच में होने चाहिए, तब आप इस बार सिलेक्शन ले पाएंगे। और आपकी जो प्रैक्टिस है उसका उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगा अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। आपको इसी चैनल पर आपको लाइव क्लास करवाऊँगा, वीडियो की रिकॉर्डिंग करके आपको दूंगा, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप उनसे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैं भी आपका पूरा साथ दूंगा। साथ ही साथ डिक्टेशन टेस्ट में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। देखिए, अभी डिक्टेशन टेस्ट इसमें जो हुआ था वही होने वाला है, उसी प्रकार का डिक्टेशन बोला जाएगा और पूरी हेल्प करूंगा जब तक डिक्टेशन टेस्ट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा, कि डिक्टेशन टेस्ट में 50 में से 45 प्लस अगर नंबर लाएगा तभी आपका हो पाएगा। देखिए, अब मैं ओवरऑल अगर बात ही कर लूँ इसमें, तो सबसे पहले आपको बताऊँगा कि अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो पहले तो आप रिटर्न एग्ज़ाम दें और रिटर्न में नंबर लाएं 80% से 90% के बीच में होने चाहिए, और डिक्टेशन में 45 प्लस नंबर अगर होंगे तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो ऐसे होगा कैसे, मैं बता रहा हूँ कि देखिए, मैं अगर अपनी बताऊँ तो मैं भी बीएसएफ का एग्ज़ाम दिया था पूरा, तो मेरा ओवरऑल 171 नंबर बना था। तो मैं जिस हिसाब से तैयारी किया था, मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवा दूंगा, जिससे आप अच्छे से एग्ज़ाम निकाल दें। खास करके जो जैसे एससी और एसटी कैटेगरी के लोग होते हैं, उनका तो बड़ी आराम से हो जाएगा, अगर वो लोग अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे और 70% भी नंबर ला देंगे रिटर्न एग्ज़ाम में, तो उनका तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। और जर्नल वालों की भी बात करूँगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, क्योंकि आपको अपडेट मिलता रहेगा और आपके लिए मैं मेहनत करूँगा, आप मेरा सपोर्ट करते रहना। बस बात करता हूँ पे स्केल, तो देखो अभी हम पे स्केल पर क्या बात करें, अभी तो हमारा एग्ज़ाम पड़ा है, फिजिकल पड़ा है, मेडिकल पड़ा है, तो इस पर बात नहीं करेंगे। एज लिमिट की आप 18 से 25 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं और एजुकेशन लेवल आपको पता है, 12th लेवल होना चाहिए, एग्रीगेट 60% इसमें होना चाहिए। आपका जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे, हाउ टू अप्लाई आप इसमें देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आप पिछली बार अप्लाई कर चुके हैं। और भाई, जिन लोगों को कंपटीशन में ऑलरेडी अच्छे नंबर लाना है, मीन्स अगर आप अच्छे नंबर ला पा रहे हैं तभी आप कंपटीशन में बैठे हैं, अदरवाइज कंपटीशन में बैठकर आपका कोई फ़ायदा नहीं, खाली में फॉर्म भरने के आप पैसे डालेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है मैं क्रैक कर दूंगा तभी आप बैठेंगे, इस बार क्या होगा, इस बार जो कट ऑफ जाएगी भाई साहब वो बहुत ज़्यादा जाएगी। फर्स्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कट ऑफ 120 से 130 नंबर लगेगी फर्स्ट कट ऑफ, और सेकंड कट ऑफ अगर मैं अभी कट ऑफ डिस्कस कर दे रहा हूँ वैकेंसी के अकॉर्डिंग, तो सेकंड कट ऑफ अगर मैं आरओ की बात कर लूँ, आरओ की और आरएम दोनों की बात करूँगा, तो आरओ की जो कट ऑफ रहेगी वो कम से कम 250 में 200 नंबर लगने वाली है, और आरएम की जो कट ऑफ की बात कर लूँगा वो 180 नंबर लगने वाली है। तो इतना आपको स्कोर करना पड़ेगा।
तब जाकर आप इस वाली वैकेंसी में सिलेक्ट हो पाएंगे। ये मैं जर्नल की बात बता रहा हूँ, अभी EWS की नहीं बताई है। तो मेन UR होता तो UR की बता दिए, तो इतना नंबर आपको करना पड़ेगा स्कोर। अब आप नोट दे रखे हैं, आप नोट पढ़ सकते हैं इसमें। बाकी अभी पूरी इसका नोटिफिकेशन अभी पूरा नहीं आया है, लेकिन जैसे ही फार्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा इसका फुल नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, उसका भी अपडेट मैं आपको तुरंत दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे अपडेट मैं लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए नोट्स और आपके लिए प्रैक्टिस आपको इसी चैनल पे करवाऊंगा, और बहुत अच्छे से करवाऊंगा, बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा, जैसे 2016 का प्रैक्टिस सेट हो गया, 2019 का हो गया, हर तरीके से करवाऊंगा, ताकि आपको 80-90% के बीच में आपके नंबर आ पाएँ। पूरी कोशिश रहेगी, तो आप बिल्कुल रेगुलर रहना, बस अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आपका भी पूरा काम हो जाएगा। अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तभी मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करूंगा, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मन भी नहीं करता वीडियो अपलोड करने का। तो आप लोग बिल्कुल घबराना, जो स्ट्रेटजी होती है स्ट्रेटजी वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।